तो दोस्तों बहुत दिनों के बाद आज मुझे पुष्कर आने का मौका मिला है। गोट फार्म नाम IBT गोट फार्म जो कड़ेल गांव पुष्कर राजस्थान के अंदर है और यहां पे देख सकते हैं काफी शानदार क्वालिटी का बच्चे हैं जो मैं अंदर ले जाकर दिखाऊंगा। राजस्थान की बात की जाए ना तो सिरोही जो है काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, हर घर में यहाँ पे आपको बकरी पालने वाले मिल जाएंगे। तो आइए मैं यहाँ के ऑनर से मिलवाऊंगा और पूरी जानकारी दूंगा कि अगर आप भी बकरी पालन करना चाहते हैं तो कैसे यहाँ तक आए और कैसे इनसे खरीद के कितने तक बकरियां हो जाएगी, पूरा डिटेल्स दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। उससे पहले कहूंगा अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो भाई साहब हमारे चैनल में स्वागत है, क्या नाम हो आपका? राज है। राज, कितने दिन से कर रहे हो बिजनेस? ये अपना 5 साल हो गए बिजनेस करते हुए। 5 साल से कर रहा हूँ। 5 साल से कर रहा हूँ। कौन सी नस्ल रखते हो अपने पास? सिरोही, सोजत, कोटा, बिट्टल, तोतापुरी, गुजरी, अजमेरी, बरबरी, जगराना, कटिंग पर्पस से सब माल अपने पास में अवेलेबल मिलता है। सभी कटिंग पर्पस से? हाँ, कटिंग वाला माल भी, पालने वाला सब अपने पास में मिलता है। अभी जो मैं देख पा रहा हूँ ये सभी पालने वाले हैं? ये पालने वाले बच्चे सभी? सभी पालने वाले बच्चे। सभी पालने वाले बच्चे। कटिंग वाले जो बच्चा होता है वो किस तरह का? जैसे कि टूटा फूटा रहता ना कोई माल, वो कटिंग के अंदर जाता है माल। जैसे कि ये कोई बच्चा ये वाला है, ये दुबला पतला बच्चा है, छोटा बच्चा है, बड़ा नहीं, हाइट ड्रिंक नहीं करेगा ना, वजन गेन ज्यादा नहीं करेगा ये, इसके वजह से कटिंग में जाएगा माल। अच्छा, मतलब 2-4 बच्चे आपके पास भी ऐसा है जो ग्रोथ नहीं करेगा, इस वजह से उसको कटिंग में भेजना पड़ता है। जैसे कि देखो ये भी ग्रोथ नहीं करेगा, ये बच्चा है ये भी ग्रोथ नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, ये कटिंग में जाने वाला बच्चे है। अच्छा, और जो ग्रोथ करेगा वो बच्चा दिखाएं सर। जैसे ग्रोथ करने वाला बच्चा दिखाता हूं, देखो ये रहा ग्रोथ करने वाला बच्चा, देखो ये रहा। ओके, ये सिरोही ब्रीड में है? हां, सिरोही ब्रीड में है ये। क्रॉस है, प्योर है? नहीं, प्योर सिरोही के अंदर है ये। प्योर क्रॉस ब्रीड होता है वो किस तरह का दिखेगा? क्रॉस के अंदर होता है ना, जैसे दिखेगा तो जैसे ये वाला हुआ, ये व्हाइट में हुआ, ये सोजत में सिरोही में क्रॉस है, ब्लैक के अंदर है। ओके, ओके, तो यहां पे और जो एक कलर में है वो सभी ओरिजिनल ब्रीड में है? हां, ओरिजिनल ब्रीड में। रेट क्या देते हो? ये 4000 की पट्टी है सब, पट्टी के हिसाब से, नक के हिसाब से। पट्टी के हिसाब से? हाँ, नक के हिसाब से। एक पीस 4000 रुपए का। एक पीस 4000? हाँ, ये पूरा पट्टी ये 4000 के हिसाब से है, जितना पीस है वो 4000 के हिसाब से है। ओके, मतलब 4000 में एक पीस हो जाएगा यहाँ? हाँ, 4000 चाहे कोई भी ले लो, कोई सा भी ले लो, क्वांटिटी 30 से ऊपर है। अच्छा, 30 अगर लेंगे तब जाके 4000 में आपको एक बच्चा मिलेगा, यानी कि 1,20,000 का 30 बच्चा मिलेगा, यही ना? मतलब अगर वजन से नहीं, वजन से भी मिलता है 250, 230, 240 जैसा माल लोगे वैसा रेट हो जाएगा। ओके, तो ये सभी जो है जो आपके पास जो मैं बच्चे देख पा रहा हूँ ये सभी 4000 रुपए का एक? अभी ये 4000 के हिसाब से 150 पीस अभी है। वेट क्या होगा सर इन सभी बच्चों का? 15 किलो है, 20 किलो है, 18 किलो है, 15 से 20 किलो है, 18 किलो है इसका। ओके, बिट्टल का कोई क्रॉस ब्रीड है आपके पास? बिट्टल का क्रॉस ब्रीड अभी नहीं है इसमें। ओके, नहीं है। अगर कोई ऑर्डर से लेना चाहे तो? हाँ, जो पालने वाला भी मिल जाएगा बिट्टल के अंदर, जो पालने वाला बच्चे है, छोटे बच्चे है, बड़ी बकरी, अपने पास ऑर्डर के हिसाब से माल आ जाता है। तोतापुरी का? तोतापुरी मिल जाएगा। है अभी इसमें सर? इसमें ओनली बहुत सिरोही और गुजरी का माल है। सिर्फ सिरोही और गुजरी का? अगर ओरिजिनल गुजरी मुझे देखना है तो कौन सा होगा? अभी ओरिजिनल गुजरी दिखाता हूँ मैं, जैसे गुजरी के अंदर वाला। चाहिए प्योर है? हाँ, ये प्योर गुजरी है, जिसका मुँह सफेद होता है, चारों टांग सफेद होती है, उसको गुजरी बोलते हैं। अच्छा, चारों टांग सफेद होना चाहिए और मुंह के पास व्हाइट होना चाहिए। हाँ, जैसे कि एक और अभी रखा तुमको ये अच्छा बच्चा गुजरी के अंदर है, गुजरी का ही है ये। हाँ, गुजरी का। एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, सिरो बहुत सारे लगभग 35-36 ब्रीड है। हाँ, सिरो बकरियों में। हाँ, सबसे ज्यादा हर मौसम में हर राज्य में सबसे ज्यादा कौन सा मान जाती है? जैसे कि आप राजस्थान में हो, यहाँ गर्मियाँ ज्यादा होती है। हाँ, बारिश कम होता है और यहाँ पे पहाड़ पे आप चराते हो अक्सर, यहाँ के जो भी किसान है वो तो चराता ही है। हाँ, तो हमारे एरिया में कोई भी राज्य में, जैसे महाराष्ट्र हो या बिहार हो या यूपी हो और कोई भी दूसरा राज्य में बंदा लेकर जा रहा है, तो सबसे बड़ा समस्या उनको डर यही होगा कि भाई हमारे मोहल्ले में आने के बाद ये मानेगी नहीं मानेगी। तो कौन सा ब्रीड ज्यादा मान जाती है? ये सिरोही वाला अच्छा रहता है माल, कहीं भी लेके जाओ इसको, सिरोही वाला हुआ, गुजरी वाला हुआ, कोटा वाला हुआ, ये माल अच्छा रहता है, इनको कहीं भी लेके जाओ, क्लाइमेट थोड़ा अच्छे से कर लेता है, ये जल्दी करता है। ओके, सिरोही, कोटा, गुजरी, ये तीन ब्रीड जल्दी सूट कर लेता है? जल्दी सूट कर लेता है ये वाला। ओके, अब आपने बोला कोटा कौन सा है? अभी इसमें कोटा है नहीं, इसमें ओनली सिरोही और गुजरी है। सिर्फ सिरोही और गुजरी है। मैं एक वहाँ पे थोड़ा क्रॉस ब्रीड तोतापुरी का देख पा रहा हूँ। क्रॉस के अंदर है, सिरोही और तोतापुरी दोनों क्रॉस के अंदर है। सिरोही और तोतापुरी का क्रॉस है, तोतापुरी दोनों क्रॉस के अंदर है। ओके, अगर कोई बंदा आपसे खरीदना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या करना होगा? ऑर्डर देना पड़ेगा, माल अवेलेबल अपने पास में,
तो बिना ऑर्डर के माल मिल जाएगा उसको, माल जो तुम पसंद है। ऑर्डर देने के लिए कुछ पेड करना होगा या फिर फोन से ऑर्डर दे सकता है या फिर आकर फार्म पे आना पड़ेगा उसको। फार्म पे आके उनको सैंपल देखना पड़ेगा, सैंपल ऐसा माल मेरे को चाहिए तो सुबह बोलेगा उसको, शाम को माल रेडी मिल जाएगा। 50-200 जितना चाहिए उतना मिल जाएगा उसको। ओके, अगर वो बंदा आ जाता है, वो सेलेक्ट करता है इसमें से, जैसे कि आपने बोला 150 पीस है इसमें, तो 150 में से उसको मान लिया जाए 50 पीस ही सेलेक्ट हो पाया, हाँ तो 50 ले सकता है वो। 50 इसमें से सेलेक्ट हुआ, 50 ले सकता है, 50 ले सकता है, 30 ले सकता है, 30 से कम नहीं मिलेगा। 20 सेलेक्ट कर पाया, मान लिया जाए आपका 30 है मिनिमम है, तो 20 सेलेक्ट किया और 10 बच्चा उसको पसंद नहीं आ रहा है, तो आप दूसरे जगह से दूसरा ले सकते हैं, 10 बच्चे दूसरा लेके जाएंगे, दूसरा आप लेकर आ जाओगे, दूसरा लेके जाएंगे। ओके, ये रेंज यही रहेगा, रेंज यही रहेगा, साइज यही रहेगा सबकी। ओके, ये लगभग 20 kg से 30 kg तक के वेट है? नहीं, 15 से 20 किलो है। 15 से 20 किलो, 15 से 20 किलो कुछ तो ऐसा मैं देख रहा हूँ जो 25 kg समथिंग, 25 किलो का कोई 10 किलो का भी है इसके अंदर मिक्स में। अच्छा, एवरेज उसका 18 किलो आएगा, एवरेज इसका पूरा 18 kg है, छोटा कोई बड़ा उसका एवरेज 18 किलो ही है। ओके, अगर कोई बंदा बकरी लेना चाहता है उसके लिए? बड़ी बकरी मिल जाएगी उसको, बड़ी 40 किलो 50 किलो सेकंड टाइम बच्चे देने वाली मिलेगी उसको, 4 दांत के अंदर, 2 दांत, 4 दांत, 6 दांत के अंदर मिलेगी। क्या रेंज में? वो रेंज आप 10,000 की समथिंग पड़ेगी, वो 10,000 रुपए का इंक्रीज पड़ेगा, 50 किलो का आएगा सिरोही के अंदर, 50 किलो का वेट रहेगा और 10,000 के एक रेंज लगभग लगभग 10,000 रुपए का एक पड़ जाएगा। सेकंड टाइम वाली आएगी, सेकंड टाइम वाली 2 लीटर दूध वाली आएगी। अच्छा, ये सभी जो बच्चे हैं इनका उम्र क्या हो रहा होगा? इनका 2.5 महीने उम्र, 2.5 से 3 महीने, 2.5 से 3 महीने, 2.5 महीने 3 महीने 4 महीने का बच्चे, मतलब हार्डली 4 महीने, हार्डली 4 महीने। ओके, अगर कोई बंदा आपके पास आता है और वो लेकर जाना चाहता है तो ट्रांसपोर्ट का सेवा कैसे मिलेगा? ट्रांसपोर्टिंग अपने पास अवेलेबल मिल जाता है, छोटी गाड़ी का हुआ, बड़ी गाड़ी का हुआ, जैसा बोलोगे वैसा ट्रांसपोर्टिंग अपने पास मिल जाएगा। कितना रुपया चार्ज लेता है किलो? अभी 13 रुपए किलोमीटर चल रहा है अभी का, पिकअप का बोल रहा हूँ, पिकअप है वो डबल पार्ट के अंदर गाड़ी आती है, उसमें 70 पीस आता है, वो 13 रुपए किलोमीटर के हिसाब से आती है गाड़ी। ये वाला बच्चा 70 पीस लेके जाएगा? 70-80 पीस आ जाएगा आराम से, 70-80 पीस लेकर जाएगा आराम से। ओके, तो 13 रुपए किलोमीटर, अगर 1,000 किलोमीटर लेकर जाता है तो 2,000 किलोमीटर का उसको पैसा देना होगा, रास्ते का खर्चा जो होता है वो भी उसको, कस्टमर को सब सभी चीज कस्टमर को, मतलब 13 रुपए उसको देने के बाद जो भी एक्स्ट्रा खर्चा होता है वो कस्टमर को देना है, टोल वगैरह जो भी खर्चा है उसको अगले वाला रहता है, टोल भी कस्टमर को देना, सब कस्टमर रहता है 13 रुपए किलोमीटर से लेकर ओनली फॉर। ओके, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपनी कीमती समय दी। तो दोस्तों, हमने लगभग सर से सारी जानकारी दे ली है, एक नौजवान युवा एक बिजनेस को कर रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे चाहे वो कटिंग के लिए हो या पालने के लिए हो राजस्थान आते हैं क्योंकि यहाँ थोड़ा सस्ता मिल जाता है। आप भी यहाँ अगर आकर देखना चाहते हैं, पसंद करना चाहते हैं, तो इनको इन्होंने ये भी कहा है कि अगर हमारा माल पसंद नहीं है तो हम दूसरे जगह भी लेकर जाएंगे जो हमारे पास और उपलब्ध है, जो बहुत सारी बकरियाँ चरने जाती हैं, तो उनसे किसानों से भी खरीदवा कर दिलाएंगे। तो वीडियो बढ़िया लगा तो लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।